देश भर में चिंता और गुस्से के बावजूद देवभूमि कही जाने वाले उत्तराखंड में महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। देहरादून, रुद्रपुर जैसे शहरी इलाकों के बाद अब पर्वतीय जनपद बागेश्वर में भी एक बड़ा मामला हुआ है। दरअसल यहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के सगे ताऊ ने दुष्कर्म किया है। अभी एक महीने से कम समय में ही कई रेप हो चुके हैं। कुछ दिन पहले रुद्रपुर में एक नर्स के साथ दुष्कर्म हुआ और उसे मार दिया गया। फिर देहरादून में एक नाबालिग बच्ची के साथ बस में गैंग रेप किया गया। फिर हल्द्वानी में चार दिन बाद एक गायब लड़की बरामद हुई तो उसके साथ भी रेप हुआ है। ऐसे न जाने कितने मामले सामने आ गए हैं। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहाँ पर एक ताऊ ने सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के सामने आने के बाद अब इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि पर्वतीय जनपद बागेश्वर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हुआ है और शर्मनाक बात ये भी है कि बलात्कार का आरोप लड़की के पिता से भी अधिक उम्र के सगे ताऊ पर लगा है। इस मामले में राजस्व पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक पीड़ित क्षेत्र की स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती है और जब छात्रा अपनी गाय को चराने के लिए जंगल गई हुई थी तो उसका ताऊ भी अपनी गायों को चराने के लिए जंगल पर पहुंचा। आरोप है कि ताऊ ने नाबालिग के साथ जंगल में दुष्कर्म किया। जब छात्रा रोते हुए घर पहुंची तो मां के पूछने पर उसने सारी बात बताई। भारी बारिश के कारण महिला बेटी को अस्पताल तक नहीं ले जा सकी। अगले दिन महिला बेटी को अस्पताल लेकर गई। घटना की जानकारी पर तहसीलदार निशा रानी, राजस्व उप निरीक्षक कुंदन सिंह मेहता, बैजनाथ थाने के उप निरीक्षक विनीता बिष्ट अस्पताल पहुंची। राजस्व उप निरीक्षक कुंदन सिंह मेहता के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। देश भर में चिंता और गुस्से के बावजूद देवभूमि कही जाने वाले उत्तराखंड में महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। देहरादून, रुद्रपुर जैसे शहरी इलाकों के बाद अब पर्वतीय जनपद बागेश्वर में भी एक बड़ा मामला हुआ है। दरअसल यहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के सगे ताऊ ने दुष्कर्म किया है। अभी एक महीने से कम समय में ही कई रेप हो चुके हैं। कुछ दिन पहले रुद्रपुर में एक नर्स के साथ दुष्कर्म हुआ और उसे मार दिया गया। फिर देहरादून में एक नाबालिग बच्ची के साथ बस में गैंग रेप किया गया। फिर हल्द्वानी में चार दिन बाद एक गायब लड़की बरामद हुई तो उसके साथ भी रेप हुआ है। ऐसे न जाने कितने मामले सामने आ गए हैं। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहाँ पर एक ताऊ ने सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के सामने आने के बाद अब इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि पर्वतीय जनपद बागेश्वर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म हुआ है और शर्मनाक बात ये भी है कि बलात्कार का आरोप लड़की के पिता से भी अधिक उम्र के सगे ताऊ पर लगा है। इस मामले में राजस्व पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक पीड़ित क्षेत्र की स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती है और जब छात्रा अपनी गाय को चराने के लिए जंगल गई हुई थी तो उसका ताऊ भी अपनी गायों को चराने के लिए जंगल पर पहुंचा। आरोप है कि ताऊ ने नाबालिग के साथ जंगल में दुष्कर्म किया। जब छात्रा रोते हुए घर पहुंची तो मां के पूछने पर उसने सारी बात बताई। भारी बारिश के कारण महिला बेटी को अस्पताल तक नहीं ले जा सकी। अगले दिन महिला बेटी को अस्पताल लेकर गई। घटना की जानकारी पर तहसीलदार निशा रानी, राजस्व उप निरीक्षक कुंदन सिंह मेहता, बैजनाथ थाने के उप निरीक्षक विनीता बिष्ट अस्पताल पहुंची। राजस्व उप निरीक्षक कुंदन सिंह मेहता के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।